हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी हम लोगों की तरह सिटी चेंज करते रहते थे और किसी एक सिटी के अंदर उतना स्ट्रांग बेस नहीं है कि आप किसी गोल्ड शॉप वाले को जानते हो, तो उस केस के अंदर तनिष्क ब्रांड सबसे बेस्ट रहता है गोल्ड शॉपिंग के लिए। मालाबार से भी आप परचेज कर सकते हो। मोस्टली मैं दोनों ब्रांड्स एक्सप्लोर करती हूँ, उसके बाद में डिसाइड करती हूँ कि मुझे कहाँ से शॉपिंग करनी है। तो हैदराबाद के अंदर जो तनिष्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे उसके अलावा तनिष्क स्टोर के और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ के लोकल ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम तनिष्क पे ही हमेशा रिलायबल हैं और तनिष्क से ही शॉपिंग करते हैं, चाहे फिर वो हैदराबाद हो या हमारा गुवाहाटी हो। तो हैदराबाद के अंदर मम्मा को मेरी जो मम्मी है उनको एक बैंगल लेनी थी, कड़ा लेना था उनको। वो चूज़ कर रही थी कि कड़ा लूँ या फिर बैंगल्स लूँ। तो इस तरह से देखो, ये सारे डिज़ाइन जो अभी आपने वीडियो में देखे हैं ये सारे मम्मी ने पहन पहन के देखे, और उसके बाद फाइनली उन्होंने एक कड़ा यहाँ से लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे ब्लॉग के अंदर कि तनिष्क पे क्या लेटेस्ट कड़े के डिज़ाइंस हैं। पसंद आ रहे हैं आपको? हाँ, तनिष्क पे मेकिंग चार्जेस ज़्यादा होते हैं ऐसा सब बोलते हैं, बट इसके डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक होते हैं। अगर आप कहीं पे भी पहन के जाते हो तो काफ़ी स्टैंड आउट करते हैं, लोग नोटिस करते हैं, और एक रिलायबल शॉप भी है, ऐसा पता होता है कि हाँ जो बोल रहे हैं वही दे रहे हैं। तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है। गोल्ड तो फिर कहीं ना कहीं आखिर वैसा ही होता है, जैसा कि आपके पास मनी है तो आप ऐसे कुछ भी तो नहीं खरीद सकते हो। तो फाइनली मम्मा ने भी फटाफट पसंद कर लिया एक कड़ा, तो मम्मी को देखते ही पसंद आ गया था। वो बस सबकी राय जानना चाह रही थी, लेकिन उनका तो डिसाइडेड था कि उनको यही लेना है। तो इस तरह से हम लोगों ने हैदराबाद से तनिष्क से इस तरह से गोल्ड की शॉपिंग की। अगर आप भी कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हो तो ये बेस्ट प्लेस है तनिष्क। मम्मी क्या जी हो गई जेब खाली? चलो भैया होगी जेब खाली। मम्मी खुश? नन्ही तेरी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ब्रांड एम्बेसडर है मम्मी मलाबार की। इधर आ जाओ।